हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिविगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि सर्व समीकरणों पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ सर्व समीकरण पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो सर्व समीका है वो होती है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये पहली यहाँ पर सर्व समीका होती है। इसके लिए क्या करें, दूसरी जो हमें सर्व समीका बनानी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो भी ये समीकरण हमें प्राप्त हुई इसमें एक बार साइन स्क्वायर थीटा से और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दें। तो पहली बार में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर क्या मिलेगा हमें, यहां से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब हम डिवाइड करते हैं तो सब जितने भी पद हैं उन पदों के भी नीचे हमें साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया और ये मिला हमें 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट, तो ये फार्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा का। ये 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें दूसरी सर्व समीका ये प्राप्त हो गई। इसी तरह से थर्ड सर्व समीका प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सारे पदों के नीचे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। क्या करना है, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस ये क्या होता है टैन, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस का ये तो कैंसिल हो गया कितना आया 1 बराबर यहां पर 1 अपॉन कॉस ये होता है सेक, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सर्व समीका हमें ये प्राप्त हो गई। तो यहां पर हमें तीन सर्व समीकाएं पता है, तो इनमें से अगर एक सर्व समीका जो कि मेन है अगर हमें ये पता है तो इनके इसे हम अपने आप से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मेन ये ध्यान रखनी है, बाकी इनको बना सकते हैं। तो इन्हीं सर्व समीकाओं पर बेस्ड है ये वाले क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये और बराबर में हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनमें से क्या करें, हम ये वाला टर्म मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड का है ये हिस्सा हम ले लेते हैं, तो लिख देंगे यहां पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या टेकिंग एलएचएस
क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करना है, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में ही कॉमन है, ये निकालेंगे बाहर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बचेगा, ये इसके मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, तो यहां पर जिसके भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो वहां वन होता है, तो वन बचा यहां पर, प्लस एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और बचा यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बाहर निकाल लिया था, तो यहां पर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कहां से लिखा वो हम यहां पर बता देंगे, सिंस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही इनटू कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वन से ये ऐसा का ऐसा ही, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन ये होता है कॉट, तो ये क्या मिल गया हमें, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा ही हमको लेके आना था, ये क्या मिल गया आर एच एस राइट हैंड साइड हमको मिल गई, तो यहीं पर सिद्ध हुआ प्रूव्ड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, तो यहां पर 9 दोनों जगह से कॉमन है, या ऐसा कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, तो 9 ऐसा का ऐसा ही, sec स्क्वायर ए के प्लेस पर कितना 1 प्लस का tan स्क्वायर, अब यहां पर एंगल दे रखा है a तो a लिख देंगे, माइनस का 9 tan स्क्वायर ए ये ऐसा का ऐसा ही, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सिंस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे इसे, 9 वन जा 9 प्लस 9 की और tan स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए ये ऐसा का ऐसा ही, तो यहां पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा केवल 9, और यही हो गया आंसर। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, तो इसमें से क्या करते हैं, पहले एक साइड को लेकर चलते हैं, किससे 1 प्लस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, तो ये हमें कितना मिल जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये कितना मिलेगा यहां पर 1 प्लस cot स्क्वायर a ये होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो ये cosec स्क्वायर और एंगल दे रखा है a, तो यहां पर हम लिख देंगे सिंस
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे इसे तो ये कितना मिलेगा, ये सेक होता है वन अपॉन कॉस, कॉस का रिवर्स होता है ये, तो ये वन अपॉन कॉस, अपॉन में ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगा लिया, कॉसेक स्क्वायर है तो ये कॉसेक का अपोजिट होता है किसका, साइन का, तो ये हो गया वन अपॉन साइन है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी न्यूमिरेटर है वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये ऐसा का ऐसा ही, जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं और साइन स्क्वायर ए अपॉन वन और मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए और वन की मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वन से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन, तो यहां पर हमें मिल गया टेन स्क्वायर ए, यहां पर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लग गया और इधर क्या चल रहा था वन प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस का कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पर एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर इसे वन मान लिया। अगला क्या हमें प्रूफ करना है, वन माइनस टेन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे यही टर्म ले लेते हैं वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, अगेन इसका होल ऑफ स्क्वायर है, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, तो क्या करें इसे वन माइनस टेन ए, टेन ए को चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, तो साइन टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में इसका होल ऑफ स्क्वायर, इधर वन माइनस ऐसे ही कॉट ए को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, क्या मिलेगा यहां से, इसको हम क्या करें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा अपॉन में वन, इसके भी अपॉन में वन, तो जो भी हर है इनकी हो जाती है आपस में गुणा, तो यहां कॉस ए इंटू वन कितना मल्टीप्लीकेशन मिलेगा कॉस ए, और यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, त्रियक गुणा कर लेते हैं, कॉस ए की एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस ए माइनस वन की साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक इसी तरह से इसमें भी वन और साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए की वन से साइन ए माइनस वन की कॉस ए से कॉस ए, क्या करना है इसमें से ऊपर वाले में से माइनस ले लेते हैं कॉमन, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा कॉस ए हो जाएगा माइनस का, साइन ए हो जाएगा प्लस का, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा साइन ए हो गया प्लस का और कॉस ए हो जाएगा माइनस का, इतने का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में कितना है कॉस स्क्वायर ए, इसे ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहां पर इनको अलग अलग लिख लेते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा ये माइनस का जब होल ऑफ स्क्वायर करते हैं
तो माइनस का प्लस में हो जाता है, तो ये बन जाएगा कितना, साइन ए माइनस का कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यहां नीचे कॉस स्क्वायर ए, और ये ऐसा का ऐसा ही साइन ए माइनस का कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर ए है ये जाएगा ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए के बराबर, तो यहां पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और इस साइड क्या चल रहा था, वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉट ए, वन माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो यहां पर इक्वेशन वन है ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड है ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो इक्वेशन वन एंड सेकंड से हमें फाइंड होगा कि ये जो वैल्यू है ये भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में इधर वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, इन दोनों के होल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, ये टेन स्क्वायर ए के, टेन स्क्वायर ए के, और हमें यही सिद्ध करना था तो यहीं पर प्रूव हुआ। तो अगला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली साइड लेके चल रहे हैं राइट हैंड साइड, तो टेकिंग आर एच एस राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, तो क्या करें इसको, यहां पर तो हमें ऐसा अपॉन में कुछ लेके आना नहीं है, तो इसको क्या करें हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करें इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहां से इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, केवल जो साइन है इसको पलट देना है, तो ये प्लस है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा माइनस का वन माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी सेम वन माइनस कॉस थीटा, तो अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां से ये कट जाएगा तो एक ही है वन है, तो वन से किसी की मल्टीप्लाई कराते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो क्या करेंगे ये वन माइनस कॉस थीटा की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये हो गया और एक ये, तो अगर कहीं पर लिखा है इस तरह से एक्स इंटू एक्स, तो इसका मीन होता है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये फर्स्ट टर्म है वन माइनस कॉस थीटा और ये सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा वन, ऐसा का ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है ए प्लस वी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर एक बार ये प्लस में लिखा हुआ है ऐसे और एक बार यही माइनस में लिखा हुआ है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो गया वन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये वन माइनस
कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, ये मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। एक सर्वसमिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, हमें क्या निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको यहां से हटाएं इधर ले जाएं तो क्या मिलेगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको इस तरह से लिख लिया। क्या करें, इसको साइन थीटा को एक बार 1 के नीचे और एक बार कॉस थीटा के नीचे लिख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और ये क्या था, ये था राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके स्थान पर लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमको प्रूफ करना था, ये सिद्ध हुआ प्रूफ्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।